शनिवार सुबह से मध्य प्रदेश सहित देश भर में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हो गया है। वहीं राजधानी भोपाल की हमीदिया अस्पताल में भी सुबह से वैक्सीनेशन लगाने का काम शुरू हो गया है। इसमें सबसे पहले कोरोना वॉरियर्स को यह वैक्सीन लगाई जा रही है। इस मौके पर राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग उपस्थित रहे। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वैक्सीन को लेकर आम जनता को इसकी जानकारी दी और वैक्सीन लगने के बाद भी पूरी सतर्कता बरतने की बात भी कही। डोज के 14 दिन बाद एंटीबॉडी विकसित होगी और इसलिए मेरी भी यही अपील है कि वैक्सीन लग गई तो हम पहलवान हो गए, अब किसी की जरूरत नहीं है मास्क की, ये कोई ना समझे। सारे प्रोटोकॉल का पालन करें, दूसरे डोज का ध्यान रखें। मुझे पूरा विश्वास है वैक्सीन इस महामारी को पूरी तरह से समाप्त कर देगी। एक बार मैं फिर कृतज्ञता प्रकट करता हूं कोरोना वॉरियर्स के प्रति, उन परिवारों के प्रति भी जिन्होंने अपने मुखिया को खो दिया इस लड़ाई में लड़ते लड़ते, और उन सभी साथियों को, प्रशासन के, जनता के, समाज से भी, स्वयं से भी संस्थाएं, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के लोग जिन्होंने इस लड़ाई में भरपूर सहयोग दिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता के सहयोग से टीकाकरण के अभियान को हम बिल्कुल निर्विघ्न संपन्न करेंगे, इस बीमारी को पूरी तरह से समाप्त करेंगे। भोपाल से ईएमएस टीवी के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र माली के साथ हेमंत माली की रिपोर्ट।